नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं, मैं हूं अस्मित त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का संग्राम, किसे मिलेगी मात, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। जी हां, मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर होने जा रहा उपचुनाव अपने अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थमने के बाद डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला शुरू हो गया है। 13 नवंबर को दोनों सीटों पर उपचुनाव के मतदान होना है। इससे पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों ही दल कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और सियासी दिग्गजों ने ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव प्रचार किया। उधर विजयपुर में भाजपा के वन मंत्री रामनिवास रावत का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है। वहीं बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव का सामना कांग्रेस के राजकुमार पटेल से हो रहा है। प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजयपुर तो बुधनी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी विजयपुर में तूफानी प्रचार किया तो नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कई दिनों तक विजयपुर में डेरे डाल रखा। इधर बुधनी सीट पर जीत हासिल करके जहां भाजपा अपने अभेद किले को बचाए रखने की जद्दोजहद में है, तो वहीं कांग्रेस अपनी परंपरागत विजयपुर सीट पर कब्जा जमाने के लिए पूरा दमखम लगा रही। अलग 23 नवंबर को चुनाव परिणाम सामने आने के साथ ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि दोनों ही सीटों पर जनता ने किसका तिलक किया। लेकिन उसके पहले अपनी अपनी जीत के दावों का दौर जरूर शुरू हो गया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट का सियासी दंगल दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है और उपचुनाव को लेकर गर्माती सियासत के बीच भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। ऐसे में आज चर्चा दक्षिण का दंगल किसका होगा मंगल के इसी मुद्दे पर। तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर थम चुका है। अब प्रत्याशी घर घर जाकर ही प्रचार कर सकेंगे। वहीं प्रचार अभियान के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने जमकर जोर आजमाइश की, जहां बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी की तरफ से खुद सीएम साय ने मोर्चा संभालते हुए रोड शो किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी दौरा हुआ। उधर कांग्रेस प्रत्याशी आकेश शर्मा के समर्थन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने 4 सभाओं को संबोधित किया। इन सब के बीच दोनों ही दलों ने एक बार फिर अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोका है। ऐसे में किसके दावे में कितना दम है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण का दंगल, किसका होगा मंगल? जी हां, रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर पूरी तरह से थम चुका है और चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। अब प्रत्याशी घर घर जाकर ही अपना प्रचार प्रसार कर सकेंगे। लिहाजा चुनाव प्रचार अभियान के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और दोनों ही दलों के सियासी दिग्गजों ने जमकर पसीना बहाया। जहां बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी की तरफ से खुद सीएम साय ने मोर्चा संभालते हुए रोड शो किया, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी दौरा हुआ। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के समर्थन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने 4 जनसभाओं को संबोधित किया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित तमाम सूरमाओं ने जमकर डोर टू डोर प्रचार किया। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस ने हर विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बदला है, जबकि बीजेपी ने हर बार बृजमोहन अग्रवाल पर ही भरोसा जताया। मतलब आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का और नए चेहरों के लिए दरवाजा बंद हो चुका है और रायपुर दक्षिण की जनता भी कांग्रेस के ऐसे दावों की पोल खोलने वाली है। रायपुर दक्षिण में कमल खिलने वाला है। ऐतिहासिक वोटों से रायपुर दक्षिण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जातिगत समीकरण की बात करें तो इस सीट पर 10% SC, 4% ST और 53% OBC मतदाता हैं, जिसमें साहू समाज के 16%, यादव समाज के 6% और कुर्मी समाज के 6% मतदाता शामिल हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में सामान्य वर्ग के 16% मतदाता हैं, जिसमें 5% ब्राह्मण और 4% वैश्य शामिल हैं।
अल्पसंख्यक मतदाताओं की बात की जाए तो वो 17% हैं, इसमें से 10% मुस्लिम मतदाता शामिल हैं। बहरहाल रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में 31 प्रत्याशी मैदान में हैं, मगर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रहा है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। वहीं अपनी अपनी जीत को लेकर अभी से दावों का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि दक्षिण के दंगल में किसका होगा मंगल, ये तो मतदाता ही तय कर सकेंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण साहू जी हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं, सत्यप्रकाश सिंह जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं, गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और जय त्रिपाठी जी के ट्विटर स्वराज एक्सप्रेस। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। सत्यप्रकाश जी, आपसे ही सवाल है इस बात को लेकर, आपने 1990 से अगर पहले रायपुर सीट थी विधानसभा, परिसीमन 2008 में हुआ, रायपुर दक्षिण हो गई, आपने हर बार एक नया प्रत्याशी अजमाया है, कोई भी रिपीट नहीं किया है। देखिए त्रिपाठी जी, ये प्रत्याशी कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये तो पार्टी तय करती है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हमारे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जैसे आपको आम चुनाव विधानसभा उसमें मालूम है आपको कि फॉर्म भरवाए गए, नीचे से जिला कार्यालय में आए, फिर प्रदेश कार्यालय में, वहां पर स्क्रीनिंग कमेटी ने डिसाइड किया, तो तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसी तहत होता है, इसलिए उस पर तो पार्टी तय करती है, पार्टी तय करती है। आप पार्टी के प्रवक्ता, इसलिए सवाल कर रहा हूं कि हर बार मतलब आपने कई चेहरे अजमा लिए लेकिन सफलता नहीं मिली, इसलिए पार्टी ही तय करती है, आपकी पार्टी के बारे में ही पूछ रहा हूं जी, आपके पार्टी के बारे में ही पूछ रहा हूं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए जो चुनाव देखे ना, मैं पार्टी के बारे में बता रहा हूं जी त्रिपाठी, पार्टी के बारे में बता रहा हूं मैं कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नाम डिसाइड किया जाता है, इसलिए हर बार जो भी नाम आता है उस हिसाब से तय किया जाता है। मगर देखिए वहां की अगर मैं बात करूं, बीजेपी की बात कर लीजिए आप, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ही हमेशा क्यों रहते हैं, और इस बार भी जो प्रत्याशी हैं जो उपचुनाव में है वो अपने खड़ाई भी दे दिए, तो इनके पास तो ये है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की जिद थी, वो भाई एक ही व्यक्ति मेयर भी बन रहा है, एक ही व्यक्ति आरडी अध्यक्ष भी बन रहा है, एक ही व्यक्ति सांसद भी बन रहा है, और वो भी सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, निष्क्रिय व्यक्ति जिसके ऊपर तमगा इनके नेताओं ने लगाया, क्योंकि अगर निष्क्रिय नहीं होते या कुछ काम किया होता तो टिकट वापस मिल जाती लोकसभा की, मगर उस समय उनको टिकट काटी गई, तो ये दिखता है कि निष्क्रिय व्यक्ति को इन्होंने फिर से बनाया, प्रत्याशी बनाया, क्यों बनाया, सिर्फ ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की जिद की वजह से। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो प्रत्याशी युवा प्रत्याशी जो 34 साल का युवा व्यक्ति है, वो खुद कोरोना काल की बात कर लिया, या अभी जब से विपक्ष में 11 महीने से तब से अब रोजगार की बात, तमाम बातों को उन्होंने सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ा, उसके बाद बात तमाम जो भी महिलाओं को जो यहाँ कमियां हो रही, देखिए दक्षिण में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, वोटर्स की मैं बात करूं महतारी वंदन के लेकर, उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई है, तो तमाम चीज देख रही जनता की वही व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण उनके कार्यकर्ता भी नाराज है, और वही व्यक्ति सांसद भी बन रहा है, वही व्यक्ति मेयर बन रहा है, मगर दूसरी तरफ अगर बात की कांग्रेस ऐसे युवा प्रत्याशी सामने लेके आ रहा है, लेके आई है कि जो आपके सुख दुख में खड़े रहेंगे। देखिए त्रिपाठी जी, आपको भी मालूम होगा कि अभी ऐसी हालत हो गई बीजेपी के चुनाव में कि इनको चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा बनाना पड़ रहा है, यहां तक कि युवाओं को नशे में धकेल रहे हैं, ताश के पत्ते बांटे जा रहे हैं, ये उनकी चुनावी सामग्री है, साड़ियां दारू हर चीज दी जा रही है, क्यों दी जा रही है भाई, आप तो अभी कुछ दिन पहले 67,000 सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे, उसके बाद भी आप ऐसी हालत में क्यों है कि आपको ये चीजें अपनानी पड़ रही है, तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि हमारा जो प्रत्याशी है, पूरे बीजेपी को मालूम है, वो हमारा जो प्रत्याशी है वो सिर्फ और सिर्फ रबर स्टैंप के तहत है और जनता वो नहीं चाहती है, और सबसे बड़ा ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के साथ क्या हुआ है वो भी वहां की जनता देख रही है। और दक्षिण की अगर मैं बात करूं, दक्षिण में देखिए वही भाटागांव बस स्टैंड है जिसके अंदर रेप हुआ, क्या उन्होंने किया, सुनील सोनी जी ने क्या उठाया, चाहे ब्रिजमोहन अग्रवाल बात कर लो, सांसद रहते क्या उठाया मुद्दा, तो वहां पे अब सबसे महत्वपूर्ण दक्षिण में एक और चीज आ जाइए, सबसे ज्यादा नशाखोरी कहीं हो रही है रायपुर में तो दक्षिण में हो रही है, वहां पे कोई लगाम नहीं लग रही, जबकि 34 साल से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी वहां विधायक है, मंत्री रह चुके 15 साल लगातार, अभी भी मंत्री थे वो कुछ दिनों के लिए, तब भी वहां नशाखोरी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है, तो ये तमाम चीजें वहां का युवा हो महिलाएं हो, महिलाएं वहां 1,37,000 से ज्यादा महिला वोटर्स है, मगर महतारी वंदन का लाभ मात्र 13,000 या 14,000 महिलाओं को मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, तो यही वहां की जनता देख रही है ना कि हमको जो भी बोला गया सब चीज में ठगा गया है। अभी इस बात देखिए मैं ये नहीं बोल रहा उस चुनाव से सरकार बदलेगी, मगर ये एक मौका मिला वहां की जनता को कि हम सरकार को ये बताएं कि आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू था वहां अपराध बढ़ गए हैं,
आपका वही दक्षिण बस स्टैंड आता है वहां बलात्कार हुआ है, आपके दक्षिण में टैगोर नगर आता है वहां पे आदिवासी छात्र को हत्या हो जाती है, आपके दक्षिण में नशाखोरी बढ़ गई है। ये युवाओं वहां की जनता देख रही है कि हमको एक मौका मिला है ये बताने के लिए सरकार को, और ये बताएगी जनता का क्या मूड है। उन्होंने मूड तय कर लिया है, वो दिख रहा है अपार जो समर्थन जो प्यार मिल रहा है कांग्रेस को वहां पे, कांग्रेस प्रत्याशी को, इससे बीजेपी जो प्रत्याशी है बीजेपी के लोग जो है वो घबराए हुए हैं, और नतीजा आपको दिखेगा 23 तारीख को। जब बिल्कुल नतीजा दिखेगा। आपने कहा बृजमोहन अग्रवाल जी के यहाँ सारे नशा का कारोबार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर 2018 चुनाव छोड़ दें तो हर बार बृजमोहन अग्रवाल की लीड बढ़ी है, ये आपके आंकड़े भी बताते हैं 90 से लेके अभी तक के। खैर, बीजेपी से हमारे साथ प्रवीण साहू जी हैं। प्रवीण जी, मेरी आवाज आ रही हो तो सवाल आपसे ये है, सतप्रकाश जी ने कहा कि निष्क्रिय आदमी, बात भी सही है कि क्या एक ही आदमी को, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि युवाओं को आपके यहाँ दरवाजा, हम तो चाह रहे हैं प्रवीण साहू जी चुनाव लड़ते, दरवाजा बंद कर दिया गया है क्योंकि महापौर लोकसभा सांसद फिर वापस विधानसभा, यानी बृजमोहन जी के रबर स्टाम्प वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन नए चेहरों को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? प्रवीण जी, आप जैसे लोग जो दिन भर अपनी पार्टी के लिए डिबेट करते हैं, आप लोगों को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित और लोकप्रिय चैनल के सभी दर्शक समस्त, अभी तो जय दक्षिण रायपुर है, अभी तो रायपुर दक्षिण जय है। देखिए, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार धरातल पर रह के भारत के जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए काम करती है, तो हम चाहे दक्षिण की बात करें या पूर्व की बात करें, प्रत्येक क्षेत्र हमारे लिए वंदनीय है। रही बात आपके प्रश्न के उत्तर की, मैं बात करता हूं तो देखिए, पार्टी में हमारे साथ बहुत दावेदार थे, लेकिन देखिए हमारी पार्टी इतनी एकजुट है कि इतने सारे दावेदार होने के बावजूद जब पार्टी का कैंडिडेट घोषित होता है तो सब हाथ उठाकर जो है उस कैंडिडेट को प्रोत्साहित करते हैं। इनकी पार्टी की तरह नहीं, जब जितने दावेदार थे सब घर में घुसकर बैठ गए हैं। कहां है दावेदार भैया? एजाज ढेबर जी कहां है? कन्हैया लाल अग्रवाल जी कहां है? प्रमोद दुबे जी कहां है? सब अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने अपने घर पर बैठ गए हैं, और जब प्रदेश अध्यक्ष इनके प्रदेश अध्यक्ष जब बैठक बुलाते हैं तो उसमें भी सम्मिलित नहीं होती है। तो कांग्रेस पार्टी अभी तक लगातार, अगर हम कहें तो परसों चुनाव है और अभी तक गुटबाजी से जूझ रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी करूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठा युवाओं का, मैं सम्मानित जनता को बताना चाहता हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी जिसने लगातार युवाओं को अवसर दिया है। मैं कुछ नाम आपको गिनाता हूं। राजिम क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक है रोहित साहू जी, प्रथम बार चुनाव लड़ रहे हैं युवा। आरंग की बात करता हूं, हमारे पास विधानसभा है, वहां से गुरु खुशवंत साहब जी चुनाव जीते हैं, विधायक है, वो भी युवा है। और तो और इंद्र कुमार साहू जी जो हमारे नजदीकी क्षेत्र आरंग से विधायक चुने हैं, वो भी युवा है। धरसीवा से अनु शर्मा जी, वो भी युवा है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे विधायक हैं जो युवा है, इनको देखिए दिखता नहीं है क्योंकि आंख में केवल जो भ्रष्टाचार, ये युवा सतप्रकाश भी गिना देंगे बहुत सारे, दिखेगा कहां से ये युवा, वो भी गिना देंगे बहुत सारे, सतप्रकाश भी गिना देंगे। हमारा सवाल ये है कि उन्हीं को क्यों, हम बिल्कुल आपने कहा कि आपकी पार्टी एकजुट है, सब लोग मिलकर प्रचार करेंगे, लेकिन उन्हीं को क्यों? कहीं डर था आपको क्या कि आप महापौर उनको लड़ा दिए, फिर लोकसभा लड़ा दिए, फिर विधानसभा में दे दिए? देखिए, डर तो इनको था कि टिकट किसको मिल जाएगी। भूपेश बघेल जी बगले झांकते रह गए कि भाई टिकट कौन व्यक्ति कहां से ले आया। इनके प्रत्याशी का नाम है आकाश शर्मा, वो लगता कि आकाश टिकट पा लिए है क्योंकि पार्टी का कोई कार्यकर्ता तो उनको जानता नहीं है। भाई निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में ये प्रश्न था कि इनको टिकट कैसे मिल गया। टिकट के दावेदारी के लिए तो कुछ और लोगों के नाम आगे चल रहे थे भाई, लोग कह रहे थे कन्हैया अग्रवाल जी को टिकट मिल सकता है करके, इन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे थे प्रमोद दुबे जी को मिल सकता है भाई, एजाज ढेबर जी को मिल सकता है। इनके पार्टी में लगातार सुगुगाहट थी कि भाई है ना, इन्हीं तीनों में से किसी को मिलेगा टिकट, लेकिन जब आकाश शर्मा को टिकट मिलता है तो स्वयं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में बातें करते हैं कि भाई गलत व्यक्ति को टिकट मिल गया है। तो निश्चित रूप से अभी तक, जब परसों चुनाव है, अभी तक गुटबाजी इनके अंतर्गत है, और सबसे बड़ी लीड से पुनः भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण का चुनाव जीतेगी। और देखिए, आपने युवा की बात की, दीपक बैज जी भी युवा है, लेकिन रबर स्टैम्प कोई है तो दीपक बैज जी है। सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो होता है, इनका पार्टी आलाकमान का सिस्टम देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष का किस प्रकार अधिकार का हनन करते हैं कि माननीय दीपक बैज जी को इतना अधिकार नहीं है कि आपने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर सके। तो रबर स्टैम्प कौन है जनता सब कुछ जानती है। भूपेश बघेल जी लगातार बाहर गए, भाई आपको दक्षिण के चुनाव में इंटरेस्ट क्यों नहीं है?
सिंहदेव जी क्यों नहीं दिख रहे? अभी हाल फिलहाल में एक दो दिन में उनकी कुछ रैलियां हो रही है, वो भी केवल औपचारिकतावश, क्योंकि मीडिया में चेहरा दिखाना है कि भाई हाँ हम भी थे, लेकिन मन से और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उनके दिल और दिमाग से रायपुर दक्षिण कहीं भी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि 8 बार के परिणाम ये जानता है, जो सब जानते हैं कि बृजमोहन जी की निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे और लगातार जनता के इतने काम करते हैं, तो उनको ये मालूम है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी दक्षिण से होगा वो सदैव विजयी होगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये जीत किसकी होगी, बृजमोहन जी की या सोनी जी की? है इसलिए दो चार कार्यकर्ता दिख रहे हैं, ये जीत किसकी होगी, बृजमोहन जी की कि सोनी जी की? देखिए लगातार वहां पर जनता की जीत होगी, विकास का जीत होगा, और आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी तो स्वयं कह चुके हैं कि सुनील सोनी जब जीतेंगे तो इस क्षेत्र को एक नहीं दो विधायक मिलेगा, अनुभव के नेत्र भी होंगे और उत्साह के चरण भी होंगे, जिस प्रकार आदरणीय बृजमोहन जी इस लोकप्रिय सांसद है इस क्षेत्र के, तो उनका अनुभव का लाभ मिलेगा ही, और साथ ही हमारे पार्षद से लेकर लगातार अनेक पदों को सुशोभित करने वाले आदरणीय सुनील सोनी जी भी विधायक रहते हुए जनता के हित में काम करेंगे। वही कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद देखिए 13 तारीख के शाम से देखेगा लगातार फिर आरोप और प्रत्यारोप का दौर अपने अंतर्गत लगाएंगे कि इसने काम नहीं किया, इसने काम नहीं किया, केवल जो सिर्फ फुटबॉल का हाल जो पहले था वो आगे भी रहेगा। चलिए अब रहेगा कि नहीं रहेगा सत्यप्रकाश जी बताएंगे, लेकिन गंगेश जी आपसे सवाल यह है, देखिए सामान्य तौर पे एक तो बीजेपी का गढ़ होना 190 से आप मान लें, कुछ परिसीमन में 2008 में कुछ क्षेत्र जरूर कटा, उसके बाद भी बीजेपी का गढ़। दूसरा सरकार आमतौर पे माना जाता है जिसकी सरकार होती है उपचुनाव के परिणाम उसके पक्ष में ही आते हैं, कुछ बहुत ज्यादा आओ हवा ना बदल गई हो तो। यहाँ कांग्रेस की चुनौती अगर कहीं भी है वहां कहाँ पे है, क्या देख रहे हैं क्या चुनौती को लेकर आप, कांग्रेस की अगर चुनौती है भाजपा के लिए तो? देखिए कांग्रेस की चुनौती भाजपा के लिए, देखिए युवा चेहरा होने के कारण एक चुनौती तो दे रहे हैं, इसका कोई दो मत नहीं है, और भीड़ भी अच्छी जुटा रहे हैं आकाश तिवारी सॉरी आकाश शर्मा, और लेकिन जैसे कि खुद भाजपा के प्रवक्ता ने बताया, बृजमोहन अग्रवाल जी ने एक तरह से इंडायरेक्टली कह दिया है कि वहां पे दो विधायक मिलेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से कुछ तरह सक्रिय हैं, और जो भी जीत के सुनील सोनी की जीत भी होती है तो बृजमोहन अग्रवाल की ही जीत है जी। इसका अर्थ यही है कि कुल मिलाकर उनके नाम से वोट मांगे जा रहे हैं, और वही भाजपा जो कांग्रेस जो है लगातार सुनील सोनी पे निष्क्रिय होने का आरोप लगा रही है, इसको लेकर एक बड़ी चर्चा उस क्षेत्र में है कि अगर तुलना की जाए कि किसके पास जल्दी काम होगा, तो इसको लेकर लोगों के मन में संशय है कि सुनील सोनी के पास जाने से जल्दी काम होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर लेकिन जी और वो क्षेत्र असर वाला क्षेत्र है, और वो क्षेत्र बृजमोहन के असर वाला क्षेत्र है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज वहां दिखाई देगा, और ये बात बिल्कुल सही कि सत्ता में चूंकि भाजपा है तो उपचुनाव एक सिंगल उपचुनाव है छत्तीसगढ़ का, ये तो स्वाभाविक रूप से जनता इतनी समझदार है कि कभी भी अपोजिट पार्टी को इसलिए चुनने से बचती है कि उस क्षेत्र में काम हो तो कम से कम तत्काल कोई बाधाएं ना आए, आसानी से काम हो जाए, एक ये बड़ी वजह होती है जिससे जो सत्ता पक्ष के लोग उपचुनाव में लोग चुनते हैं, सामने लक्ष्य रहता है, पता रहता है कि इससे इनके के विपक्ष को चुनने से कोई फायदा नहीं, सरकार में कोई बदलाव हो नहीं सकता जी। तो एक बड़ा कारण भी है, जो आकाश शर्मा एक अच्छे कैंडिडेट होते हुए भी हो सकता है उनके साथ टक्कर दो देंगे, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है, अच्छी टक्कर दोनों के बीच चल रही अभी तक, मतलब जैसे, देखने में आया वासीन जैसे गंगेश जी कह रहे हैं अजय जी की टक्कर तो होगी, मतलब 67,719 का आंकड़ा जो रिकॉर्ड है रिकॉर्ड एक तरह से है छत्तीसगढ़ में, वो कम होगा ऐसा लगता है टक्कर अगर होती है तो। देखिए बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि इस चुनाव में चाहे प्रवीण जी माने ना चाहे न माने, चाहे सत्यप्रकाश जी माने न माने, ये चुनाव असल में ब्रजमोहन जी के औरा के तले हो रहा है, उनका जो आभा मंडल है ब्रजमोहन अग्रवाल जी का अपना, भाजपा कांग्रेस सबसे बड़ा को उनका सियासत में ब्रजमोहन जी का जो अपना औरा है, उस औरा के बैनर तले पूरा का चुनाव का चुनाव अभी तक हमने जो देखा है वो प्रचार हो रहा है, लेकिन ऐसे में आकाश जी जिस तरह से सत्यप्रकाश जी कह रहे थे और गंगेश जी बता रहे हैं कि सत्यप्रकाश आकाश जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, अगर वो उस लीड को कम भी कर लेते हैं, अगर 67,000 की लीड को 40-45,000 तक लाते हैं या 15-20,000 तक ले आते हैं, तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होगी, और भले कांग्रेस वो सीट न जीते
पर इस चूंकि बीजेपी की सरकार सेंटर में है, बीजेपी की सरकार वहाँ स्टेट में भी है, उनके मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, एमपी के मुख्यमंत्री, पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी है, जबकि ये चुनाव साफ दिख रहा है कि ब्रजमोहन जी के आभा मंडल के साय में हो रहा है। उसके बाद भी कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई बीजेपी ने और कांग्रेस मुकाबला कर रही है। कांग्रेस अगर इस नीच को 67 से घटा कर नीचे कर लाती है, 40-50-35 तक आ जाती है, तो भी कांग्रेस की अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी। चलिए सब विकास जी, जैसा कि भूपेश जी कह रहे हैं कि गुटबाजी में फंसी हुई है कांग्रेस, टिकट न मिलने के बाद उन्होंने कई नाम लिए हैं, चाहे प्रमोद दुबे जी का नाम हो, ढावेरो जी का नाम हो, कई नाम लिए हैं कि जो अभी घर से निकले नहीं, प्रचार नहीं किए। इन स्थितियों में गंगेश जी भी कह रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड भी बताता है कि जहां भी उपचुनाव हुए हैं सरकार जिसकी रही पक्ष में गए हैं, कुछ बातें कुछ जगह छोड़ दें, अपवाद छोड़ दें कि कभी चीफ मिनिस्टर भी चुनाव हारे हैं इसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की धरती पे, तो यहाँ गुटबाजी के चलते आपने चेहरा बहुत अच्छा दिया, युवा चेहरा दिया, जैसा कि द्विवेदी जी बता रहे हैं, अजय जी बता रहे हैं कि टक्कर दे रहे हैं, लेकिन गुटबाजी के चलते आप कहाँ तक पार पा पाएंगे बीजेपी सरकार उनकी? ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं दो दो विधायक मिलेंगे, ब्रिजमोहन जी का चेहरा अपने आप में बड़ा चेहरा है। त्रिपाठी जी मेरे को थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा। देखिए पहले तो मैं बात करूं अपने उपचुनाव की बात की, नतीजों की। छत्तीसगढ़ जब से बना तब से 8 उपचुनाव हुए हैं और 6 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, उसमें से 2 उपचुनाव तब के जब सत्ता में रमन सिंह की सरकार थी, कोटा विधानसभा और वैशाली नगर विधानसभा, मतलब 8 में 2 तो आ रही है। इन्होंने बात की दो दो विधायक मिलेंगे। देखिए त्रिपाठी जी जब 2 ही उपचुनाव जीते हैं आप विपक्ष में रहते हुए, वही मैं बोल रहा हूँ कि सत्ता में रहने, नहीं वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जीते हैं ना, वही मैं बता रहा हूँ 8 उपचुनाव हुआ, 6 कांग्रेस से जीते, ये मैं बता रहा हूँ जब से छत्तीसगढ़ बना है 2000 के बाद से अभी तक की बात कर रहा हूँ। लेकिन से 2 ऐसे हैं जो हम विपक्ष में रहते हुए जीते, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए ये 2-2 विधायकों की, जी जी जी, एक कोटा का हम लोग जीते थे 2008 के बाद का, और एक वैशाली नगर विधानसभा सीट हम जीते थे जी। तो वही मैं बोल रहा हूँ, देखिए त्रिपाठी एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, ये बहुत बीजेपी के लोग बोल रहे हैं 2 विधायक मिलेंगे। देखिए जब किसी का सामान बहुत घटिया सामान आता ना, फर्जी सामान होता है, तो वन पे वन फ्री के एक स्कीम लेके आती है कि भाई हमारा सामान नहीं बिक रहा है तो इसके साथ एक और सामान जोड़ देते हैं, एक से एक फ्री, मगर जनता फिर भी नहीं खरीदती है, तो एक पर 3 भी ले आती है कंपनियां, तो मगर अब 3 नहीं आई है मगर 2 तो आ गई है। इसलिए बोलो कि अगर सामान अगर खराब है आपको भी मालूम है, इसलिए आप एक और फ्री है, वो एक साथ में फ्री दे रहे हैं, मगर जनता फिर भी नकारेगी, इनको ये भी पता है। अब आ जाइए गुटबाजी की बात कर रहे थे, देखिए मैं मेरे पास स्क्रीनशॉट है, इनके नेताओं ने कार्यकर्ता जो पदाधिकारी है जिले में उन्होंने क्या क्या ट्वीट किए थे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं भाई ये क्या बात है। एक बहू पहले बन गई फिर सास बन गई, अब फिर सास बहू बन रही है, कोई बोल रहा है हम दरी बिछाते रह जाएंगे क्या, यही नेता बनेंगे क्या, कोई बोल रहा है इसके अलावा कोई दूसरा चल जाएगा मगर ये नहीं चलेगा, इनके है। अब आया तो हमारी पार्टी की, देखिए प्रमोद दुबे जी ने परसों ही आपके चैनल पर मैंने भी देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, वार्डों के उनके प्रभारी बनाए गए वो काम कर रहे हैं, आप दूसरे कन्हैया अग्रवाल जी उनको वार्डो का प्रभारी बनाया गया वो भी काम कर रहे हैं, आपके रिपोर्टर से आप त्रिपाठी चाहे तो आप कंफर्म कर लीजिए वो वार्डो में घूम रहे कि नहीं घूम रहे। अब दूसरी बात और आ जाइए इनके यहाँ के देख लीजिए ना, मंत्री है सरकार में, कितने मंत्री गए प्रचार करने बता दीजिए, मुख्यमंत्री को दूर थे आज उन्होंने रोड शो किया, इतने दिन क्यों दूर थे ये बता दीजिए। अब आ जाइए इनके जो टिकट के दावेदार थे केदार गुप्ता कितनी बार गए कहां काम कर रहे हैं, संजय श्रीवास्तव कहां काम कर रहे हैं, और जो तमाम जो लोग टिकट मांगे थे वो कहां काम कर रहे हैं ये बता दीजिए। तो गुटबाजी कहां चल रही है इनको मालूम है, हमारे नेता चाहे टीएस सिंहदेव जी हो, चाहे उसके बाद रविन चौबे जी हो, चाहे दीपक बैज जी हो, चाहे भूपेश बघेल जी खुद हो पूर्व मुख्यमंत्री, सभी तमाम बड़े नेता चरणदास महान जी उन्होंने सब ने काम किया, चुनाव प्रचार किया, डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों को बीच में गए, इनके कौन से मंत्री कौन सा बड़ा नेता डोर टू डोर गया बता दीजिए आप, सचिन पायलट जी भी आते। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं ना कि इसलिए बोलना चाहूं इनको घबराहट किस चीज की है, क्योंकि इनको मालूम है कि हमने जो चेहरा उतारा है वो जनता नहीं अपना रही है, जनता उसे दूर भाग रही है क्योंकि निष्क्रिय थे। अब त्रिपाठी जी मैं एक और सवाल इनसे पूछ लेता हूं, अगर वो सांसद थे जब पांच साल में देखिए वो व्यक्ति जो 80% पैसा अपना सांसद निधि का नहीं इस्तेमाल कर पाता है, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है, आप चाहे तो तथ्य निकलवा लीजिए, 80% पैसा वापस चला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, निष्क्रियता इतनी थी कि लोकसभा में सबसे निष्क्रिय सांसदों में नाम था उनका, दीपक बैज जी का नाम टॉप 10 में था जब वो सांसद थे, तभी सुनील सोनी जी भी थे, इसलिए मैं दोनों को आपको बता रहा हूं। अब आज ही उसके बाद देखिए 5 साल वो सांसद रहते, 5 साल में कोई ऐसा बड़ा काम बता दे कि कितने अस्पताल खोल दिए होंगे उन्होंने, कितने वहां स्कूल खोल दिए, चाहे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की मैं बात कर लेता हूं, 34 साल से थे ना, कौन सा बड़ा अस्पताल खोल दिया उन्होंने, कौन सा वहां बड़ा स्कूल खोल दिया उन्होंने। आज भी उनके जो खुद सुनील सोनी भाटा गांव में जाते हैं तो जनता उनको दरकिनार करती है, जनता उनका विरोध करती है, क्यों कर रही है भाई, 34 साल आप वहां विधायक थे, उसके बाद भी जनता बोलती है आप जाइए यहां से, आपने काम नहीं किया, हम आपसे नहीं देखना चाहते, जमीनें हड़पने का आरोप लगा रहे हैं,
तो ये इनके 5 साल के कार्यकाल चाहे सुनील सोनी जी का हो चाहे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का 34 साल का कार्यकाल हो, उसके बाद भी जनता इनके पास नहीं जा रही है। जनता ने देखा है कि किस तरह से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने हमारे साथ छल किया है। अगर यहां पे थे तो वहां क्यों चले गए भाई? आप हमारे बीच रहना चाहते थे, अगर दो दो विधायक की बात थी तो आपको जो हमने बनाया था ना विधायक, तो छोड़ के क्यों भाग गए? तो जनता एक तरह से ये भी बोल रही है कि आप भाग के क्यों चले गए भाई, हमने तो बना दिया था, अब सोनी जी खड़ा ही ले आए। तो देखिए जनता को मालूम है कि आकाश शर्मा जो है ना युवा चेहरा है जी, वही मैं बोलना चाह रहा हूं ना, उनको लोकसभा क्यों लड़ा है वो भी आपको मालूम है। ओपी चौधरी जी के साथ बंद कमरे में क्या हुआ, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता उसमें, क्योंकि वो मुद्दा भटक जाएगा, तो वो भी जनता को मालूम है। और उनको ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को मालूम है उनको लोकसभा लड़ा के क्यों वहां बैठाया गया। अरे ये भी बहुत ही मैं बोलूंगा सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा त्रिपाठी जी, 1.5 लाख वोटों से जीता हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है और 5 से 6 लाख से जीता हुआ व्यक्ति को मंत्री भी नहीं बनाया जाता केंद्र में, ये अपमान होता है छत्तीसगढ़ का, यहां से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का जो 34 साल विधायक थे उसके बाद भी ये हाल होता है। इसलिए बोल रहा ना कि जनता ने मन बना लिया है, आकाश शर्मा को उन्होंने देखा है, आकाश शर्मा उनके बीच में रहा है, आकाश शर्मा का बचपन उस दक्षिण क्षेत्र में गुजरा है, उन्होंने काम किया है, चाहे वो एनएसयू प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, चाहे अभी प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के रहते हुए, चाहे विपक्ष में जब से हम 11 महीने से हैं, तब से अगर मैं बात कर लूं, वो सड़क पे लड़ रहे हैं, रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए, वो नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो महतारी बंदर जैसे मैंने बोला 1,37,000 महिला वोटर्स है जिन्होंने बात की मुख्यमंत्री धर्मेंद्र जी मिलेगा, उसके बाद 15,000 महिलाओं का इस्तेमाल मिल रहा है, उसके लिए लड़ रहे हैं, तमाम चीजें है जिसके लिए आकाश शर्मा जी लड़ रहे हैं और जनता देख रही है। बिल्कुल, अब ये तो खैर 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन ये आपने अच्छी गणित बताई कि जो सबसे ज्यादा वोटों से जीता हो वो प्रधानमंत्री बने, माने अब अगली बार से जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या मंत्रिमंडल का गठन होगा वोटों की संख्या के आधार पे कौन कितने से जीता वो आधार पे होगा। चलिए प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन बात फिर वही आकर के रुक जाती है। जी, मेरा ये बोलना कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का जो ओहदा है 34 साल से विधायक थे तो सम्मान मिलना चाहिए, जनता ये बोल रही है कि हमारे विधायक को सम्मान क्यों नहीं मिला, एक तरफ लोकसभा 34 साल, दूसरी तरफ ओहदा की भी बात कर रहे हैं। प्रवीण जी बात वही आकर के घूम फिर के आ रही है कि आखिर एक ही आदमी को क्यों बार बार अजमाया जा रहा है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा हमारे कांग्रेस मित्र को कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, 34 साल से जनता जिनको चुन रही है तो क्या जनता के जनादेश पर आप प्रश्न उठा रहे? यदि काम नहीं किए होते ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, काम नहीं किए होते सुनील सोनी जी, तो क्या उनको जनता जनादेश देती? क्या पार्षद से बनकर वो महापौर बनते, क्या सांसद बनते? जनता ने जनादेश दिया, जनता ने उनके कार्य को स्वीकारा, इसलिए धरातल पर वो लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए जनता उनको जो है चुनते। मैं 5 क्या 50 काम गिरा देता हूं। और सुन लीजिए, देखिए ये कह रहे थे कि आकाश शर्मा जी लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं, अरे गुंडा और क्या करेगा, गुंडा है मैं कहता हूं आपके चैनल पर, गुंडागर्दी करने के लाखों वीडियो मिल जाएंगे उनके, गुंडे है वो, एनएसए का काम। ब्रिजमोहन अग्रवाल से बड़ा गुंडा कोई है क्या? ब्रिजमोहन अग्रवाल से बड़ा गुंडा कोई है? अपशब्द बोला तो बोलो ना मैं, गुंडे है वो, अरे वो गुंडा है, अगर रोजगार के लिए लड़ना पड़े, गुंडा बोलना पड़े तो है वो लड़ रहा है, गुंडा है वो, अगर महतारी बंधन के लिए महिलाओं के सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा, अगर सड़क पर लड़ना पड़ेगा तो गुंडा है वो, अगर रोजगार के लिए सड़क पर लड़ना पड़ेगा, गुंडाई करना पड़ेगा तो गुंडा है वो, अगर युवाओं के हक के लिए लड़ना पड़ेगा सड़क पर लड़ेंगे, अगर वो गुंडाई करना पड़ेगा युवाओं के हक के लिए तो गुंडा है वो। अरे आप क्यों नहीं हक दे रहे हो जो उनको सड़क पर गुंडाई करना पड़ रहा है, हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो इसलिए बोल रहे हो गुंडा कौन है जनता को मालूम है? ब्रिजमोहन अग्रवाल से ज्यादा जमीन किसने हड़पी होगी ये बताए ना, गुंडाई कौन किया 34 साल, जमीन कौन हड़प रहा है, लोगों को धमका रहा है वो लोगों ने देखा है, आकाश शर्मा जो है ना वो लड़ रहा है युवाओं के लिए, उनके हक के लिए, अरे गुंडों की पार्टी बीजेपी से बड़ा कोई है? अरे आप केंद्र से शुरू कर देता हूँ, तिहाड़ी से लेकर यहाँ पे भी जेल में रहे व्यक्ति गृह मंत्री है, तो गुंडे कौन है वो जनता देखती है और देख रही है, इंतजार कीजिए 23 तारीख का, समझ में आ जाएगा गुंडा कौन है गुंडा नहीं है, इसलिए बोल रहे डरो मत, गुंडा व्यक्ति ही आज हक दिला रहा है उनको, गुंडा व्यक्ति उनको नौकरी दिलाएगा, गुंडा व्यक्ति नशा खोने से दूर। चलिए यहाँ व्यक्ति महतारी बंधन, यहाँ चर्चा उपचुनाव को लेकर हो रही, गुंडा नहीं हो रही। चलिए प्रवीण जी, सतप्रकाश जी, सतप्रकाश जी, प्रवीण जी, काम नहीं किया इसलिए उसका टिकट आपने काटा है, देश के विकास को अवरुद्ध करने का काम किसने किया? वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। चलिए प्रवीण जी, चूंकि यहाँ आज चर्चा उपचुनाव को लेकर है, गुंडा शब्द को लेके बहस चालू हो गई बहुत संक्षेप में, गंगेश जी खैर ये शब्द अलग है, बहुत संक्षेप में परिणाम 23 को निकलेंगे लेकिन दावे दोनों के अपने अपने हैं, और दावे में अगर 67,000 से नीचे की लीड आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह जरूर लग सकता है, सरकार भी आपकी है। गंगेश जी
निश्चित तौर पर अगर लीड कम करते हैं आकाश शर्मा तो कहीं ना कहीं उसकी युवा चेहरे की जीत ही मानी जाएगी, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल का जो ऑरा है, जो अहो मंडल है, उसके नीचे अगर इतना लीड कम कर पाते हैं तो ये बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए। और ये कांग्रेस की एक तरह से, जैसे कि एक्टर साहब बोल रहे थे कि एक जीत की तरह से होगी, निश्चित तौर पर ये एक तरह से जीत ही होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी जी, चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका, सतप्रकाश जी आपका, गंगेश जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण के होने वाले उपचुनाव की, जहां दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। हालांकि पहले रायपुर विधानसभा और परिसीमन के बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा के नाम से जाने जाने वाली यह सीट भाजपा की बपौती रही है, यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यद्यपि राजनीति में कुछ भी उलटफेर हो सकता है, रायपुर दक्षिण में उलटफेर होगा या नहीं इसका परिणाम तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन मौजूदा समय में पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे बरकरार हैं। ये तो बात रही छत्तीसगढ़।